खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेजस है। योगी सरकार के अफसरों का नायाब कारनामा, स्वर्ग में भेज रहे शौचालय। हरैया ब्लॉक के इंदौली गांव में शौचालय के नाम पर जमकर हुआ घोटाला। 11 मृतकों के नाम पर भी फाइलों में प्रधान और सेक्रेटरी ने बना दिए शौचालय। घोटाले का खुलासा होने के बाद तेज तर्रार आईएएस पीसी मीणा ने बैठाई जांच। जिला ओडीएफ घोषित है लेकिन करोड़ों खर्च कर शौचालय कागजों में बन रहे। जिले को उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी दिन पहले ही ओडीएफ घोषित कर रखा है, लेकिन इस जिले में शौचालय के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। लगातार हम ऐसे ही गांव की रिपोर्ट तैयार करके आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कागजों में शौचालय तो तैयार हो गए हैं लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। यहां तक कि मृतकों के नाम शौचालय के पैसों को खारिज करके भुगतान करा लिया गया और जिम्मेदार मौन है। हम आपको दिखाते हैं हरैया ब्लॉक के इंदौली गांव में सरकार के धन से बनाए गए शौचालय की तस्वीर, और जो दिखेगा वह अभी पूरा नहीं है क्योंकि इस गांव में शौचालय सिर्फ कागजों में बनाए गए हैं। और तो और मृतकों के नाम शौचालय का पैसा खारिज कर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा डकार लिया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण इस बात को जानते ही नहीं कि उनके नाम पर शौचालय का निर्माण सरकार ने करवा दिया है। शिकायतकर्ता ने बताया, हमारे इस गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको शौचालय का धन सरकार से मिला ही नहीं और कागज में शौचालय का धन प्राप्त हो गया है। गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें यह पता ही नहीं कि उनके नाम पर शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। प्रधान के द्वारा उनके नाम पर शौचालय का गबन कर लिया गया और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई। माता जी एक्सपायर हो गई और उनके नाम से शौचालय निकाल लिया गया है। हाँ, देखे हैं कागज पर। अच्छा, तो इसकी शिकायत उकायत कहीं अधिकारियों से की है कि नहीं कि मेरे माता जी के नाम पर? मैंने नहीं किया, हमारे जांच में सहयोग। और क्या हुआ है कि शौचालय का पैसा निकाले कुछ मृतक लोगों के नाम पर निकाल लिया गया है, किसी में पति पत्नी दोनों लोगों के नाम पर निकाल लिया। हमारा शौचालय फर्जी जोड़ करके निकाल लिया, किसी और निकाल लिया गया, हमें और नहीं दिया गया वो शौचालय। कितने लोग ऐसे थे जिनको मृतक में शौचालय का पैसा निकाला गया? मृतक में कम से कम 11 लोग ऐसे हैं कि जिसका समय मृतक। कुछ नाम बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। अरविंद कुमार सनात जगदम्बा, अरविंद कुमार जगदम्बा, समय दिन रामानंद और प्रेम कली। तो कहीं आपने ऐसा शिकायत किया? हमने शिकायत किया यहाँ खंड विकास अधिकारी को, शिकायत किया तो उन्होंने बोला कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको शौचालय दिला दें, आपको आवास दिला दें, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। कौन सा ग्राम सभा आपका? ग्राम सभा इंदौली है और मेरा राजेश कुमार पकेरा कला है। कौन है प्रधान? श्रीमती विनोद सिंह। क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय सिंह। मैं उदय प्रताप सिंह, ग्राम सभा इंदौली, पोस्ट हमारी बाजार, जिला बस्ती का मूल निवासी हूं। मेरी लैट्रिन बने हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें न तो अभी तक दरवाजा लगा न ही छत लगी हुई है। पूछने पर ग्राम प्रधान कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूं, खंड विकास अधिकारी से शिकायत करने पर कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसी परिस्थिति में मुझे बताया जाए कि मैं किस अधिकारी से मिलूं जिससे समस्या का समाधान निकाला जा सके। हमने गांव में निर्माण हुए शौचालय की लिस्ट निकाली और जब इसकी जमीनी पड़ताल की तो प्रधान द्वारा किए गए घोटाले की परत दर परत खुलना शुरू हो गई। एक दो ग्रामीण नहीं बल्कि इस गांव में सैकड़ों ऐसे ग्रामीण हैं जिनके नाम पर प्रधान ने शौचालय का पैसा खा लिया और पात्र व्यक्तियों को इस योजना से दूर कर दिया। गांव के जागरूक व्यक्ति उदय प्रताप सिंह ने बहरहाल इस पूरे मामले की जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और बीडीओ को शिकायत पत्र देकर निष्पक्ष जांच के लिए निवेदन किया, लेकिन अभी तक न ही जांच की गई है और न ही गबनकारी प्रधान के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। जिले को ओडीएफ घोषित करने के बाद भी अगर गांव में शौचालय के नाम पर प्रधानों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है तो जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्यों मौन है? आखिर शौचालय निर्माण की मॉनिटरिंग करने वाले अफसरों की नींद क्यों नहीं खुल रही है? क्या जब शौचालय के नाम पर करोड़ों अरबों का घोटाला हो जाएगा तब अधिकारी नींद से जागेंगे और कार्रवाई करेंगे? इस गांव के प्रधान ने तो हद ही कर दी है, 11 मृतकों के नाम भी शौचालय का पैसा खारिज करके डकार चुके हैं और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बनकर देखते रहे। क्या कार्रवाई करवाएंगे? मेरे संज्ञान में पहली बार ये बात आई है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे हम
जांच कराएंगे और जांच के बाद जो निष्कर्ष आएंगे उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के सामने यह मामला जब पहुंचा तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच करवाई जा रही है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। है कि मृतकों के नाम चेक दे दिया गया, सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी ये मामला भी आज ही संज्ञान में आया है और वीडियो हरैया से इसके बारे में जांच करवा कर आख्या मांगी जा रही है और अगर मामला सत्य पाया जाता है तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।